और ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है। अंजुमन इंतजामिया का कहना है कि ये रिपोर्ट के बारे में किसी से बारे में बात ना की जाए और मीडिया को ये रिपोर्ट ना दिखाई जाए। इसके लिए माननीय कोर्ट ने 21 तारीख को इसकी तारीख निर्धारित की है कि 21 तारीख को उस पर अगला आदेश पारित किया जाएगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद। जब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी, हाँ तब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी। अंजुमन इंतजामिया का ये आर्ग्यूमेंट है कि रिपोर्ट दिखाई ना जाए, किसी को उसके बारे में बात ना किया जाए। आपकी तरफ से क्या दलील दिया गया है? अभी तो बात नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल, हम लोग जैसे हम लोग रिपोर्ट देखेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कब तक रिपोर्ट देखेंगे आप लोग? 21 को डेट लग गया। और आज जो एएसआई ने रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल ही नहीं हो सकती थी और एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में रिपोर्ट सील कवर में फाइल की। इसके लिए आप, हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि रिपोर्ट की कॉपी हमें हमारी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड की जाए और 21 तारीख को माननीय न्यायालय उसको सुनवाई करे। आप कह रहे हैं कि एएसआई ने जो रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, देखिए इस पर भी आप याचिका देंगे, अपील करेंगे? नहीं अभी हम देखते हैं, पहले 21 तारीख को माननीय न्यायालय क्या आदेश पारित करता है, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी तय करेंगे। सर कितने पन्ने की होगी? 21 दिसंबर, लगभग कितने पन्ने की होने की संभावना? नहीं लगा सकते हम लोग रिपोर्ट, तो उन्होंने सील कवर में फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में बात आई थी कि सील कवर में फाइल की जाए कि नहीं की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सील कवर में फाइल करने के लिए मना किया था और उसके बाद रिपोर्ट सील कवर में फाइल की। ऐसा क्यों किया गया, क्या मुझे इसके बारे में? 21 तारीख को मैंने आज कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है कि इस रिपोर्ट की कॉपी हमें प्रोवाइड की जाए और 21 तारीख को इसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की। सुनवाई कब होगी? 21 तारीख को जो रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में आ सकती है? ये तो 21 तारीख को जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तब पता चलेगा। कोर्ट के सामने फाइल कर दी है और ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है। अंजुमन इंतजामिया का कहना है कि ये रिपोर्ट के बारे में किसी से बारे में बात ना की जाए और मीडिया को ये रिपोर्ट ना दिखाई जाए। इसके लिए माननीय कोर्ट ने 21 तारीख को इसकी तारीख निर्धारित की है कि 21 तारीख को उस पर अगला आदेश पारित किया जाएगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद। जब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी, हाँ तब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी। अंजुमन इंतजामिया का ये आर्ग्यूमेंट है कि रिपोर्ट दिखाई ना जाए, किसी को उसके बारे में बात ना किया जाए। आपकी तरफ से क्या दलील दिया गया है? अभी तो बात नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल, हम लोग जैसे हम लोग रिपोर्ट देखेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कब तक रिपोर्ट देखेंगे आप लोग? 21 को डेट लग गया। और आज जो एएसआई ने रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल ही नहीं हो सकती थी और एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में रिपोर्ट सील कवर में फाइल की। इसके लिए आप, हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि रिपोर्ट की कॉपी हमें हमारी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड की जाए और 21 तारीख को माननीय न्यायालय उसको सुनवाई करे। आप कह रहे हैं कि एएसआई ने जो रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, देखिए वायलेशन है, इस पर भी आप याचिका देंगे, अपील करेंगे? नहीं अभी हम देखते हैं, पहले 21 तारीख को माननीय न्यायालय क्या आदेश पारित करता है, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी तय करेंगे। सर कितने पन्ने की होगी? 21 दिसंबर, लगभग कितने पन्ने की होने की संभावना? नहीं लगा सकते हम लोग रिपोर्ट, तो उन्होंने सील कवर में फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में बात आई थी कि सील कवर में फाइल की जाए कि नहीं की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सील कवर में फाइल करने के लिए मना किया था और उसके बाद रिपोर्ट सील कवर में फाइल की। ऐसा क्यों किया गया, क्या मुझे इसके बारे में? 21 तारीख को मैंने आज कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है कि इस रिपोर्ट की कॉपी हमें प्रोवाइड की जाए और 21 तारीख को इसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की। सुनवाई कब होगी? 21 तारीख को जो रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में आ सकती है? ये तो 21 तारीख को जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तब पता चलेगा। ठीक है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।